हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएन एजुकेशन फाउंडेशन। आज मैंने सेलेक्ट किया है आपके लिए चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, जो क्लास 10 के साइंस के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के एमसीक्यूज करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप उन्हें ध्यान से देख लीजिएगा। इन्हीं की मदद से हम करने वाले हैं एमसीक्यूज को सॉल्व, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? इन इमेज व्हाट इज बीइंग मेजर्ड बाय वोल्टमीटर। वोल्टमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, वोल्टेज मेजर करेंगे। लेकिन ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं? ए, करंट इन सर्किट, सर्किट में करंट मेजर करेंगे, ठीक। दूसरा, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर्स, रेजिस्टर्स के बीच में जो रेजिस्टर जो है उनके बीच में जो वोल्टेज है वो। ऑप्शन सी है वोल्टेज इन करंट, करंट में क्या वोल्टेज है, और ऑप्शन डी है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इन सब में कौन सा ऑप्शन राइट है? तो हमें पता है जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, और उसमें वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर हमें मेजर किया जाता है किसकी मदद से, वोल्टमीटर की मदद से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स अपॉन, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी किसी गिवन मेटेलिक वायर में किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं, इट्स लेंथ, ऑप्शन ए बोल रहा है। ऑप्शन बी है इट्स थिकनेस। ऑप्शन सी है इट्स शेप। ऑप्शन डी है नेचर ऑफ मटीरियल, ठीक है। तो जो रेजिस्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है मटीरियल पे, ठीक है, कि उस मटेरियल का नेचर क्या है। वो मेटल है, दैट्स मीन कंडक्टर है, या फिर इंसुलेटर है, या फिर कोई अलॉय है, ठीक है। सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी किसकी होती है? नॉन मेटल्स की, ठीक है। और सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी होती है? मेटल्स की, क्योंकि वो क्या है, कंडक्टर है। तो ऑप्शन हमारा डी क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ मटीरियल, राइट, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज, इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट क्या है? वोल्ट एम्पियर, किलोवाट आर, जूल पर सेकेंड, वाट पर सेकेंड। तो ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन था। इलेक्ट्रिकल पावर की जो यूनिट है, ऐसा यूनिट है किलोवाट आर, ठीक है। किलोवाट आर मतलब 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, और उसको पर आर अगर यूज किया जा रहा है तो यूनिट हो जाएगी किलोवाट आर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस एंड करंट। रेजिस्टेंस मतलब आर और करंट मतलब आई, ठीक है। आर और आई के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। ए, डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब करंट और रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मतलब आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी अगर हम करंट की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, मतलब आर बढ़ा कर जब हमने करंट आई को बढ़ाया, ठीक है। उसके बाद बी है इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, इनवर्सली रिलेटेड है मतलब जब हम करंट बढ़ाएंगे रेजिस्टिविटी हो जाएगी कम, और जब हम करंट को कम करेंगे रेजिस्टिविटी हो जाएगी ज्यादा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है? आर हैज ग्रेटर मैग्नीट्यूड देन आई, आर जो है ज्यादा मैग्नीट्यूड में रहेगा आई से, और डी ऑप्शन बोल रहा है आई हैज ग्रेटर मैग्नीट्यूड देन आर, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, हमें पता है ओम्स लॉ से ही बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो आप। देखिए कैसे, V इक्वल आई आर, ओम्स लॉ यही तो बोलता है हमें, ठीक। अगर हमें आई और आर के बीच में रिलेशनशिप देखनी है तो हमें एक वैल्यूज को, एक वैल्यू को हमें लाना होगा इक्वल की दूसरी साइड। तो मैं आई को लेके आता हूं, तो वी अपॉन आई इक्वल हो जाएगा आर। यही से हमें क्लियर हो जाता है कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। तो जब दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑब्जर्व वी आई ग्राफ एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। ये जो एडजेसेंट फिगर दिया है, वी आई ग्राफ दिया है, इसको देख करके हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए, यहां पर दिया है वी, ठीक है। वी मतलब आपका पोटेंशियल डिफरेंस, और यहां पर दिया है आई, आई मतलब आपका करंट दिया हुआ है, और हमें आर फाइंड करना है। आर की एसआई यूनिट, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? ओम होती है, चारों ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। फिर हम चलते हैं आगे।
इस ग्राफ को देखने के बाद हमें अगर सॉल्व करना है क्या आर की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर से हम कहां चलेंगे, ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ क्या बोलता है, वी इक्वल आई आर। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हम यहां पे लेते हैं कुछ वैल्यूज, ठीक है। तो ओम्स लॉ बोल रहा है वी इक्वल आई आर, हमें आर फाइंड करना है, तो आर फाइंड करने के लिए हो जाएगा वी अपॉन आई, ठीक है, V upon I। तो सबसे पहले हम देखेंगे V की वैल्यू क्या है, यहाँ पे सबसे पहली वैल्यू है 2 और उसी के साथ में है I की वैल्यू 5, तो हो जाएगा 2 upon 5 ओम, ठीक है। दूसरी वैल्यू लेकर के भी हम चेक कर सकते हैं, चलिए 4 और 10 को लेकर के चेक करते हैं। तो यहां पर भी रेजिस्टेंस है, फाइंड करना है, जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 4 और हमारा करंट हो जाएगा 10 एम्पियर, और यहां से हम जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 और 5, 2 अपॉन 5 ओम, ठीक। तो ऑप्शन देखते हैं, हमारा 2 अपॉन 5 ओम कहां दिया है, तो ऑप्शन बी में 2 अपॉन 5 है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा राइट, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन कहता है If current of 0.5 ampere drawn by filament of bulb for 5 minutes, find amount of charge। ठीक है, मतलब यहां पर हमको करंट का अमाउंट दिया हुआ है, यहां पे हमको टाइम दिया हुआ है, और यहां पे चार्ज पूछ रहा है कि कितने चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आइए हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। हमें ए है हमारे पास करंट, सॉरी आई है एम्पेयर में है मतलब, ओके। उसके बाद दिया है टाइम, टी दिया गया है, और हमको फाइंड क्या करना है, चार्ज मतलब क्यू, ठीक। तो आई टी और क्यू, इसका रिलेशन हमको पहले ही फॉर्मूले में मिल जा रहा है, ठीक है। तो हमारा है फर्स्ट फॉर्मूला है आई इक्वल क्यू बाई टी, हमें फाइंड क्या करना है, क्यू, तो हो जाएगा क्यू इक्वल आई टी, ठीक है। तो सबसे पहले चीजों को हम लिख लेते हैं प्रॉपर। आई हमारा कितना दिया है, 0.5 एम्पियर, ओके। टाइम टी हमें क्या दिया गया है, 5 मिनट। मिनट ऐसा यूनिट नहीं है टाइम की, तो हम इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे प्रॉपर मल्टीप्लाई करके 60 से, हो जाएगा 300 सेकंड्स, ठीक है, हो गया। अब चलते हैं क्यू फाइंड करना है, तो क्यू इक्वल हो जाएगा आई मल्टीप्लाई टी, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी, आई है हमारा 0.5 × 300, हो जाएगा 5 × 3 = 15 0, इतने कूलम, ठीक है। तो 150 कूलम हमारा आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा राइट, हो जाएगा बी, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, आइए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। हमें यहां पे क्या पता करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर के 1 कूलम ऑफ चार्ज बना देते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो हमारे पास पहले गिवन वैल्यूज क्या क्या हैं, आइए देखते हैं। पहले गिवन वैल्यूज हमारे पास हैं कि चार्ज जो है 1 कूलम है, तो चार्ज हमें दिया गया है, चार्ज लिख लेते हैं, चार्ज क्यू हमारा दिया है 1 कूलम, ठीक है। अब पहले हमें यह पता करना होगा कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो हम देखते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम का चार्ज, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, क्यू ई एन, तीन चीजें हमें मिल गई हैं, फॉर्मूला नंबर 2 अप्लाई होगा, ठीक है, वहीं पे इन तीनों का रिलेशन दिया गया है। आइए करते हैं, तो एन इक्वल हो जाएगा Q by E, ठीक है। तो देखते हैं Q की वैल्यू क्या है, 1, और E की वैल्यू क्या है, 1.6 × 10⁻¹⁹, क्लियर है। अब 10⁻¹⁹ हम इसको जब न्यूमरेटर की तरफ लेके जाएंगे तो हो जाएगा 1 upon 1.6 × 10⁻¹⁹, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा 1। अब इसका डेसिमल रिमूव करने के लिए हमें क्या करना है, 16 × 10⁻¹⁹, ठीक है। यहां पे हम क्या कर लेते हैं, इसको एक ट्रांसफर कर लेते हैं, यहां पे हो जाएगा 100 × 10⁻¹⁹ अपॉन 16, आप डिवाइड करोगे आ जाएगा 6.25 × 10⁻¹⁹,
इलेक्ट्रॉन्स। ओके आइए देखते हैं, ये हमारा जो ऑप्शन 6.25 × 10⁻¹⁸ है वही राइट आंसर हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी दिया है 6.25 × 10⁻¹⁸। ओके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। पूछ रहा है रिलेशनशिप बिटवीन करंट, नेट चार्ज एंड टाइम इज। तो सिंपल है, ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन है। यहां पर हमें बोला है करंट, करंट मतलब आई, नेट चार्ज मतलब क्यू एंड टाइम टी, इनके बीच का रिलेशन क्या होगा। हमारा इक्वेशन नंबर वन, सॉरी फॉर्मूला नंबर वन, आई इक्वल क्यू बाई टी। ठीक है, सबकी एसआई यूनिट बताइए क्या होती है। तो इन सबकी एसआई यूनिट हम फाइंड करेंगे, यहां पे हो जाएगा करंट का एम्पियर, चार्ज का कूलम और टाइम का क्या हो जाएगा सेकंड। ठीक है, तो आई इक्वल क्यू बाई टी, ऑप्शन में देख लेते हैं, आई इक्वल क्यू बाई टी हमारा पहला ही ऑप्शन राइट है, तो क्वेश्चन एट में हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए राइट। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द यूनिट ऑफ करंट इज, करंट की यूनिट क्या है। तो हमें पता है एम्पियर होता है, यहां पे मतलब हमसे ये पूछ रहा है कि 1 एम्पियर को डिफाइन कैसे करना है। तो आइए इसी फॉर्मूले से हमें इसको कर लेते हैं हम। ठीक है, तो यहां पे क्या है, 1 एम्पियर लेंगे और यहां पर 1 कूलम लेंगे और यहां पर लेंगे 1 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड को ले चलते हैं न्यूमरेटर की तरफ, तो 1 एम्पियर इक्वल हो जाएगा 1 कूलम सेकेंड पावर माइनस 1। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा राइट है देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस सेट का देखते हैं, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज। ठीक है, जो एसआई यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होगी, ऑप्शन है वोल्ट, कूलम, एम्पियर, सेकेंड। ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट, जिसको हम कैपिटल वी से डिनोट करते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। ठीक है, ओके फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। हाउ मच वर्क इज डन इन मेकिंग अ चार्ज ऑफ 5 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। ठीक है, तो कितना वर्क किया गया है, मतलब हमें W फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है W। ठीक है, इन मेकिंग अ चार्ज ऑफ 5 कूलम, मतलब यहां पे Q की वैल्यू हमको दे रखी है 5 कूलम। ठीक है, अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू भी हमको क्या दी गई है 10 वोल्ट। ठीक है, तो यहां पे जो फॉर्मूले दिए गए हैं उनमें देखिए कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो ये तीनों रिलेशन रखता है, इन तीनों का रिलेशन, तो फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 4 दोनों में ही यही बात है, V इक्वल W बाई क्यू या W इक्वल V क्यू। ठीक है, तो फॉर्मूला 4 यूज करके हम क्या लिखेंगे, W इक्वल V क्यू। ठीक है, तो यहां पे V की वैल्यू कितनी है 10 मल्टीप्लाई, Q की वैल्यू कितनी है 5, और यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 5 = 50 जूल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन है 20 जूल, 25 जूल, 50 जूल एंड 100 जूल, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 50 जूल, मींस ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट है सी। ठीक है, आगे चलते हैं, यहां पर एक डायग्राम दिया गया है और पूछ रहा है ये किस चीज का सिंबल है। ठीक, ए लिखा हुआ है, तो अमीटर है ऑप्शन में, वोल्ट मीटर है, रेजिस्टर है, बल्ब है। ठीक है, तो हमने यहां पे क्या देखा, अमीटर जो है वो ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा राइट। वोल्ट मीटर हमने डिस्कस किया था कि वी वहां पे लिखा हुआ होता है। ठीक है, और रेजिस्टर के लिए हम यूज करते हैं ये सिंबल और बल्ब के लिए यूज करते हैं ये सिंबल। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, जो रेजिस्टेंस आर होता है, रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं, वो किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो पहला है लेंथ ऑफ वायर, दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और नेचर ऑफ मटेरियल है ऑप्शन नंबर 3, और डी है ऑल ऑफ दीज। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो तीनों पर डिपेंड करता है, मतलब लेंथ ऑफ वायर पे भी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी, नेचर ऑफ मटेरियल पे भी, और इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। ठीक है, देखते हैं रेजिस्टेंस आर, ये वाला फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 6 देखते हैं,
आर इक्वल रो एल बाई ए, ठीक। मतलब रेजिस्टेंस जो है, और ये एल मतलब क्या है, लेंथ ऑफ वायर, ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, ठीक है। और ये हमारा क्या है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब देखते हैं इनके बीच में रिलेशन कैसा है। तो जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ वायर के, दैट्स मीन आप वायर की लेंथ बढ़ाते जाओ, रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, मतलब आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाते जाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता क्या है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक वायर है और ये हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जिसको हम कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर से, ठीक है। रेजिस्टिविटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के, ठीक। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन नंबर डी क्यों राइट है। और एक चीज, हाँ, नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल का जो नेचर होता है उस पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे जो इंसुलेटर्स होते हैं या नॉन मेटल जो होते हैं उनका जो रेजिस्टेंस है बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक है, और जो मेटल होंगे, कंडक्टर होंगे, उनका रेजिस्टेंस क्या होगा, लो होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से दिए गए स्टेटमेंट चार हैं, उनमें कौन से सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए है, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, ये तो बिल्कुल सही बात है, SI यूनिट जो है वो ओम मीटर ही होती है, ठीक है, रेजिस्टिविटी की। बी है, आर एंड रो वेरी विद टेम्परेचर, आर मतलब रेजिस्टेंस, रो मतलब रेजिस्टिविटी, दोनों ही वेरी करते हैं टेम्परेचर से, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी है, मेटल हैज लोएस्ट रेजिस्टिविटी, मेटल जो है उनकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। नॉन मेटल की रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा और मेटल की रेजिस्टिविटी सबसे लो होती है, ठीक है। और ऑप्शन डी है, आर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी डू नॉट वेरी विद टेम्परेचर, और यहां पर इसी बात को फिर झूठ कहा जा रहा है कि आर और रो जो है वेरी नहीं करते टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। देखिए, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जब बढ़ेगी टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस का जब चार्जेस एक दूसरे से क्या होते हैं, टकराते हैं, तो वहां पर जैसे ही ज्यादा टकराएंगे तो वहां पर टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जब बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो यहां पर ये भी बात सही है और ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर रॉन्ग है, इसलिए यही ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट, ठीक है। चलते हैं फ्रेंड्स 15th क्वेश्चन पे। विच मेटल इज बेस्ट कंडक्टर इन फॉलोइंग, ठीक है। तो मेटल यहां पे चार दिए, ए बी सी डी, और यहां पर उनकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू दी गई है, ठीक है। रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या है, मेटल ए के लिए 1.60 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर, यहां पे रेजिस्टिविटी की जो SI यूनिट है हमारी क्या होती है, ओम मीटर, ठीक है। और मेटल बी के लिए दिया गया है 1.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, और सी के लिए दिया है 1.62, सी के लिए दिया है 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, और डी के लिए दिया है 5.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। तो हम यहां पे ध्यान से अगर देखें तो सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी है, पहले मेटल ए की 1.60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, इसका मतलब है ये क्या होगा, बेस्ट कंडक्टर होगा, मीन जितनी कम रेजिस्टिविटी उतना ही अच्छा कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए में ऐसा कौन सा मेटल रखें, तो हमें पता है कि जो सबसे बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का होता है वो कौन सा होता है, सिल्वर, तो ऑप्शन ए राइट है, और सिल्वर एक ऐसी मेटल है जिसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, सबसे कम होती है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। हाउ कैन थ्री रेजिस्टर्स ऑफ 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिव टोटल रेजिस्टेंस इज 1 ओम, मतलब हमारे पास तीन रेजिस्टर हैं R1 R2 एंड R3, इन तीनों को ज्वाइन करना है और हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए 1 ओम, ठीक है। हम उनको कैसे ज्वाइन करेंगे, तो हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, हमारे ऑप्शन में दिया गया है कि हम उन्हें पैरेलल ऐड कर दें, या फिर हम उन्हें सीरीज में ऐड कर दें, या फिर R1 R2 को पैरेलल में रखें और 3 को सीरीज में कर दें, R1 R2 को सीरीज में रखें और R3 को हम कर दें पैरेलल में। आइए हम सबसे पहले देखते हैं हमारे पास गिवन वैल्यूज क्या क्या है, ठीक है। R1 हमारे पास है 2 ओम, R2 है हमारे पास 3 ओम, और R3 है हमारे पास 6 ओम, ठीक है। तो अगर हम इनको सीरीज में रखें, जैसे
आर एस फाइंड करेंगे, तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री रखते हैं, तो टू प्लस थ्री प्लस सिक्स दैट्स मीन 11 ओम। हमें ये नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि हमें 1 ओम चाहिए, 1 ओम का रेजिस्टेंस। तो आर पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे, आर पैरेलल का फॉर्मूला फॉर्मूला नंबर 8, 1 बाई आर पी इक्वल 1 अपॉन आर1 प्लस 1 अपॉन आर2 प्लस 1 अपॉन आर3 रखेंगे। अगर और रेजिस्टर्स हैं तो हम ऐड कर सकते हैं। तो 1 अपॉन आर पी की वैल्यू क्या है, ठीक? तो हम इसको फाइंड करने के लिए देखते हैं, 1 बाई आर1 है, आर1 की वैल्यू है 1 बाई 2 रखेंगे, प्लस R2 की वैल्यू 3 है तो 1 बाई 3 रखेंगे, R3 की वैल्यू 1 बाई 6 रखेंगे। ओके, 1 बाई आर पी इक्वल है, इन तीनों का एलसीएम फाइंड करोगे तो क्या आएगा, 6, 2 3 जा 6 तो 3, 3 2 जा 6 2, 6 1 जा 6 तो 1, 1 बाई आर पी इक्वल हो जाएगा 6 बाई 6। ओके, और यहां पे हम करेंगे कैंसिल आउट, 1 बाई आर पी इक्वल 1 बाई 1, आरपी इक्वल हो जाएगा 1 ओम। और हमारा ये एम था कि हमें 1 ओम का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, तो हो जाएगा ये कौन सा, ऑप्शन राइट, क्योंकि हमने सबको पैरेलल में ऐड कर रखा है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। ओके, हमारा ऑप्शन ए राइट है। आइए फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, ठीक है? यहां पे क्या दिया है, 72 जूल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस इन ईच सेक्शन इन 2 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द करेंट अक्रॉस रेजिस्टर। मतलब क्या कहा गया है यहाँ पे कि 72 जूल की हीट प्रोड्यूस हो रही है और इन ईच सेक्शन, सभी सेक्शंस में वायर के ईच सेक्शन पर सेक्शन, ठीक है, इन 2 ओम रेजिस्टेंस फाइंड करेंट अक्रॉस रेजिस्टर। यहाँ पे रेजिस्टेंस भी 2 ओम का दिया गया है और हमको क्या फाइंड करना है, करेंट, ठीक है? तो करेंट फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, करंट फाइंड करना है, हमें हीट दी गई है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, यहां पर हमारे पास है हीट का फॉर्मूला एच इक्वल आई स्क्वेयर आर टी, ठीक, फॉर्मूला नंबर 11, ठीक है? तो जो हमारे पास हीट है, एच की वैल्यू है, वो हमारा क्या है, 72 जूल, ठीक है? उसके बाद रेजिस्टेंस कितना दिया है, 2 ओम का दिया है, आर की वैल्यू दी गई है 2 ओम। ओके, अब यहां पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो मिल गई हमें, और हमारा हो गया एच की वैल्यू, और आई हमको फाइंड ही करना है, मतलब आई अननोन है और टी यहां पे 1 सेकेंड, ठीक है, ईच सेक्शन दिया गया है। ओके, तो चलिए फाइंड करते हैं। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम रखें आई स्क्वायर इक्वल, तो हो जाएगा एच अपॉन आर टी, ठीक है? तो आई स्क्वायर इक्वल, एच की वैल्यू है 72, आर की वैल्यू है 2 और टी की वैल्यू है 1, ठीक है? 2 से हम कैंसिल करेंगे तो आई स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 36, ठीक है? स्क्वायर उधर आप ट्रांसफर करोगे तो हो जाएगा √36 और आई की वैल्यू आ जाएगी 6 एम्पेयर। ओके, तो 6 एम्पेयर कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? आइए फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। अ बल्ब हैज, एक बल्ब में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, मतलब हमारे पास एक बल्ब है, बल्ब में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, ऑप्शन में दिया गया है, ए टंगस्टन का फिलामेंट होता है फिल्ड विथ नाइट्रोजन एंड ऑर्गन, उसमें जो गैसेस फिल होती है वो नाइट्रोजन और ऑर्गन का मिक्सचर होता है, सी है ग्लास केस, उसके ऊपर ग्लास की एक केसिंग होती है, और डी ए एंड बी बोथ, और डी बोल रहा है कि ए और बी दोनों ही सही हैं, ठीक है? अब देखते हैं हम कि ऑप्शन कौन कौन से राइट है। तो टंगस्टन का फिलामेंट होता है, बिल्कुल सही है, फिल्ड विथ नाइट्रोजन ऑर्गन एंड नाइट्रोजन एंड आर्गन, ठीक है? तो ये क्या है, नाइट्रोजन और आर्गन फिल उसमें होता है, सी है ग्लास केसिंग, मतलब ये ग्लास केसिंग ऊपर होती है, मतलब सभी के सभी ऑप्शन राइट है, मतलब यहां पर ए एंड बी बोथ ऑप्शन नहीं होगा, ऑल ऑफ दीज रखेंगे यहां पे, क्या रखेंगे, ऑल ऑफ दीज, मतलब 3 के 3 ऑप्शन क्या है, राइट है। ओके, ऑप्शन डी। आइए फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। अ बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.5 एम्पियर, कैलकुलेट द पावर पी, मतलब हमें यहां पे क्या करना है, पावर कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो चलिए पावर कैलकुलेट करते हैं।
पावर का कैलकुलेशन करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, तो पावर का कैलकुलेशन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है पी इक्वल वी आई, ठीक है। पावर इक्वल यहां पे वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का मल्टीप्लिकेशन करना है। हमारे पास गिवन वैल्यू क्या है, यहां पे है पोटेंशियल डिफरेंस वी इज इक्वल टू 220 वोल्ट, ओके। उसके बाद है द करंट, करंट मतलब आई, कितने एम्पियर है, 0.5 एम्पियर है, ठीक है। V दिया है 220 वोल्ट और करंट दिया है 0.5 एम्पीयर, तो पावर की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों में हमें सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन सिंपली कर देना है, ठीक। तो P इक्वल हो जाएगा 110 और यहां पर SI यूनिट, सॉरी हमें करंट फाइंड करना है, कैलकुलेट द पावर, पावर फाइंड करना है, तो हम यहां पर SI यूनिट लगाएंगे वॉट, ठीक है। तो P मतलब इसकी SI यूनिट हो गई वॉट, हमारा ऑप्शन हमारा आंसर आ गया 110 वॉट, तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 19, ठीक है, 19 का ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। यहां पर हमें एक डायग्राम दिया गया है जिसमें कुल तीन रेजिस्टर्स लगाए हैं, R1 है 6 ओम, R2 है 6, वो भी 6 ओम और तीसरा भी 6 ओम ही है, ठीक है। यहां पे बोल रहा है फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस, ठीक। तो चलिए हमारे पास जो गिवन वैल्यूज है पहले उनको हम राइट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए गिवन वैल्यूज क्या क्या है, R1 है 6 ओम, ठीक, और R2 है ये भी 6 ओम। डायग्राम को ध्यान से देखिए, तो यहां पर ये रेजिस्टर और ये रेजिस्टर दोनों किसमें है, पैरेलल में है, तो हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों को पैरेलल में फाइंड कर लेंगे, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो 1/RP इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो 1/RP इक्वल हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6 2/6, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा, तो हो जाएगा 1/3, ठीक। तो R P की वैल्यू आ जाएगी 3 ओम, ठीक है। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम आ गया, अभी हमारे पास एक और रेजिस्टर बचा हुआ है जो कि 6 ओम रेजिस्टेंस रखता है, तो R सीरीज इक्वल हो जाएगा 3 प्लस, और हमारा ये जो थर्ड रेजिस्टर है 6 ओम का, उसको हम यहां ऐड करेंगे, तो हो जाएगा 9 ओम, ठीक। तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना आएगा, 9 ओम आएगा। कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन डी राइट है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन राइट, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज हमने 20 क्वेश्चंस किए, मिलेंगे किसी और वीडियो में, थैंक यू सो मच।